नायब सिंह सैनी का संबोधन। वो तपस्वी है, उसका अपना नहीं है कुछ भी, वो प्रदेश के लिए है, पूरा जीवन उसने प्रदेश के लिए लगाया है। मुझे खुशी है, राज नहीं फकीर है, मनोहर लाल जी देश की तकदीर है। इन 9.5 वर्षों में जो मनोहर लाल जी की सोच रही है, ईमानदारी की सोच रही है, हमारे विपक्ष के लोग ये बात बोल रहे हैं कि इस दलदल के अंदर मनोहर लाल जी का दामन वो स्वच्छ रहा है, ये हमारे विपक्ष के लोग भी बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला। आप काजन साहब कहाँ नाम लिया है? ओ नहीं, चलो अच्छी बात है, ले लिया तो कोई गलत किया क्या? नहीं, बैठ जाइए, अब बात आपकी नहीं है ये। नहीं, बीच में नहीं है, सदन के नेता बोल रहे हैं, आप बीच में, सदन के नेता बोल रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, आप बैठ जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बैठ जाइए, सदन के नेता बोल रहे हैं, आप बैठ जाइए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, बैठ जाइए। ये कोई, ये आपको लाइसेंस भी मिला हुआ? कादियान साहब प्लीज बैठ जाइए। ये कोई आपको लाइसेंस मिला हुआ है कि जमरजी आप खड़े हो जाए, जमरजी बैठ जाए? कोई आपको लाइसेंस नहीं मिला हुआ, प्लीज टेक योर सीट। सर, मैंने नाम नहीं किसी का लिया, जिसने कहा है उसको मैंने थोड़ा रिलाइज कराया माननीय अध्यक्ष जी, अगर उसको बुरा लग रहा है मुझे नहीं मालूम है, परंतु मैं कह रहा था कि ये ऐसी सरकार इन 9.5 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली, जिसकी सोच वो ईमानदार है और जिसका काम वो दमदार है। 9.5 वर्षों का अगर हरियाणा का कार्यकाल देखें, वो दमदार, वो कार्यकाल आज हरियाणा के अंदर दिखाई दे रहा है, धरातल के ऊपर दिखाई दे रहा है, और उसी को लेकर के आज लोग हरियाणा के बोल रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ये हरियाणा प्रदेश और देश के लोग बोल रहे हैं, जब सोच ईमानदार है और जब काम दमदार है तो आज लोग बोल रहे हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार, ये लोग फिर बोल रहे हैं, ये दोबारा लोग अपने आप बोल रहे हैं, एक बार फिर मोदी सरकार और भाजपा सरकार है। आप देखना जो आप लोग कह रहे थे, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने सरकार के विपक्ष का काम है कि जो उनको अच्छी बातें नहीं लगती उन बातों को उठाना,